हरा रंग और हरियाली विकास और आशा का संकेत है। सबर रखो मेरे यारों, फूलों की महक खुशियों का आगमन है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग अथरापल्ली पार्ट टू द प्लांटेशंस। In the next 5 seconds, I request you all to close your eyes as you are going to experience and feel the world's most soothing sound now. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड यस आई एम डूइंग फाइन टू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला पार्ट टू। यस इट्स डे टू टुडे एंड वी आर ऑल सेट। अभी बज रहे हैं 7 एंड हम लोग रेडी है बाहर जाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। Now we are on route oil palm plantations. So इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँ तो it lies along the banks of Chalakudy River and हम लोग जिस resort में रुके थे that is Rainland Resort, उधर से it was just around 5 minutes. That's it. Finally we are at the Athrapalli plantations and it's a beautiful place. मतलब चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। आगे चलते चलते क्या होगा आई एम जस्ट इमेजिनिंग, तो बने रहिए हम चलते हैं आगे। द इनिशियल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद पाम ट्रीज एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो दे कैन लिव अप टू 100 ईयर्स। यस एंड पाम ट्रीज सिंबलाइजेस विक्ट्री, पीस एंड फर्टिलिटी। मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टाइम टू विजिट एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज जैसे हम लोग सुबह उठ के ही काम रहते हैं तो वैसे ही एनिमल्स भी सुबह बहुत शांत रहते हैं एंड दे आर लेस एग्रेसिव। सो एनी टाइम यू विजिट अ फॉरेस्ट मेक श्योर यू विजिट इट ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग 6:30 अराउंड टाइम बिकॉज इस टाइम इवन इफ यू सी एनी एनिमल इट्स प्रेटी सेफ। एंड आवर गाइड जस्ट टोल्ड अस दैट दिस ट्री maybe yesterday or day before yesterday night the elephants would have मतलब गिरा दिया होगा। so मैं देख के दंग रह गई हूँ अभी भी कि ऐसे कैसे इतना बड़ा पेड़ है कैसे गिर गया ये पूरा। देखो you can even see the roots। तो द गाइड्स आर वेल ट्रेन्ड एंड एलिफेंट से एक ऑर्डर आता है जिसके थ्रू गाइड्स कैन फाइंड आउट कि कितने डिस्टेंस में एलिफेंट है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू विजिट दीज काइंड ऑफ डीप फॉरेस्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एकम्पनी अ गाइड विथ यू एंड अकेले जाना इज़ वेरी रिस्की एंड नॉट सेफ एट ऑल। ये देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि कौन सा एनिमल आया था रिसेंटली। तो यस द एलिफेंट्स वर हियर एंड दे फीड ऑन द मिडिल पोर्शन ऑफ द पाम ट्रीज बिकॉज वो मीठा होता है वैसे हमें अपने गाइड ने बताया। सो इसीलिए वो पूरा ट्री को गिरा देते हैं एंड दे ओनली फीड ऑन द मिडिल पोर्शन ऑफ द ट्रीज एंड दे लीव द रेस्ट ऑफ देम जस्ट लाइक दैट। दिस इज द टच मिनोर प्लांट एंड आई एम श्योर कि हम सब ने बचपन में इसके साथ बहुत खेला है। पहले लगता था कि कुछ बहुत बड़ा मैजिक हो रहा है बट देन वी ऑल नो द साइंस बिहाइंड इट राइट नाउ। बचपन की यादों का कुछ अलग ही बात होती है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि ये व्लॉग्स कैप्चर कौन कर रहा है। सो पेश है माय ब्यूटीफुल सिस्टर, इसके बिना कुछ नहीं होगा। शी इज द बेस्ट। वी आर एंटरिंग a very deep rainforest and the situation is changing here slowly because you can see the sounds. अभी हमने डीपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंटर किया एंड वी कुड क्लियरली फील द डिफरेंस। व्हेन वी एंटर्ड द इनिशियल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इट वाज प्रेटी वॉर्म बट देन अभी हम लोग जब डीपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंटर कर रहे हैं तो इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग कोल्ड बिकॉज बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे आसपास। एंड
एंड जस्ट नाउ व्हेन वी एंटर्ड द डीप पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वी स्टार्टेड हियरिंग द बर्ड्स चिरपिंग कंटिन्यूअसली एंड देन आवर गाइड टोल्ड अस दैट कि द बर्ड्स आर गिविंग सिग्नल्स टू द स्मॉलर बर्ड्स इन द सेंस मतलब नीचे कोई बर्ड होगा तो उनको सिग्नल दे रहे हैं कि ओके वी ह्यूमंस आर कमिंग सो दैट्स व्हाई दे नीड टू बी अलर्ट एंड दे नीड टू गो टू देयर प्लेसेस. ये नज़ारा जहाँ इतने घने जंगल में भी सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकल के आ रही है तो इससे बस एक सीख मिलती है ज़िंदगी में कि जितनी भी मुश्किलें आए जितना भी अंधेरा हो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानिएगा बिकॉज कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलेगा ही और उजाला दिखेगा ही. This is the bamboo plant and a fun fact about them is that they are the fastest growing plant in this world plus they do not require any kind of chemicals, fertilizers, manure or even water to grow plus they also replenish the soil quality. They are widely used as fuel for making papers, pens, fabric and even musical instruments plus फूड के तौर पे भी खा सकते हैं. बैम्बू का जो ब्रांच है वो भी खा सकते हैं. दे आर एडिबल सो बहुत सारे यूजेस हैं इसके. दिस इज द चालकुड़ी रिवर एंड इट इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला परहैप्स द मोस्ट अनपोल्यूटेड रिवर इन द स्टेट एंड इवन इन इंडिया ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वेस्टेज डिस्पोजल अराउंड इट. बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी और बहुत मज़ा आ रहा है. हाँ बहुत मज़ा. ये पानी डायरेक्टली पहाड़ से आ रहा है. ओके एंड इतना साफ है, इतना साफ है कि मैं अपने मतलब इतना क्लियर है कि आई कैन सी व्हाट इज डाउन मतलब पेबल्स सब दिख रहे हैं मुझे. This is the inside portion of the palm tree's seed. So if you see, this looks like a small, matlab coconut ko, when we open it, we see something like this. So it looks just like that and oh my god, this is something very different. I never expected it to be like this from inside. So bas, achha lag raha hai andar se dekh ke. To ab hum isko chakh ke dekhenge aur batayenge ki kaise lagta hai. एग्जैक्टली सिमिलर टू कोकोनट है. थोड़ा टफ है बट नरम नहीं है बट सेम टेस्ट सिमिलर टू कोकोनट और बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो इसका ऑयल बनता है और बहुत महंगा आता है. यहाँ के अंदर से एक आवाज आ रही है कि व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग विद आवर मदर नेचर. मतलब बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज इन द पास्ट कहीं ना कहीं हम सब ने ये मिस्टेक किया है कि हम लोग कुछ खा के पानी में फेंक देते हैं या फिर बहुत गंदा कर देते हैं नेचर को. तो अभी इट्स हाई टाइम दैट वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ. हम लोग खुद से पूछे कि व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग. इतना साफ पानी है मुझे आई एम डन श्योर ये नीचे नीचे जाते जाते इतना खराब हो जाएगा बिकॉज ऑफ अस. हम लोग कुछ भी खा के इधर उधर फेंक देते हैं. सो इट्स टाइम दैट वी ऑल प्लेज एंड कम टुगेदर कि हम लोग अभी गंदगी नहीं फैलाएंगे. कुछ भी खाएंगे तो डस्टबिन में डालेंगे एंड पानी को प्रिजर्व करेंगे. पानी को अभी पानी का इतना पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा लोगों को. तो इट्स हाई टाइम एंड लेट्स कम टुगेदर टू सेव वाटर एंड सेव आवर मदर नेचर. इस प्रोसीजर के बारे में हमने पिछले ब्लॉग में डिटेल में बताया था सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी एंड ओनली ट्राइबल्स आर अलाउड टू प्लग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस फॉरेस्ट एंड दे कैन लेटर सेल इट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. एंड वी कुड फाइनली स्पॉट अ डियर. दिस स्पीशीज ऑफ डियर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पॉटेड डियर और अ चीतल डियर एंड दिस इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट.
पिछले व्लॉग में भी स्पॉटेड द सांबर डियर, और इस व्लॉग में हमें एक दूसरे स्पीशीज का डियर दिख गया. सो इफ़ यू हैवेंट चेकआउट माई प्रीवियस व्लॉग, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. Right now, I am sitting above the tree which is broken down by the elephants. So our guide just told that this is the recent job done by the elephants. But the day before yesterday, tak this wasn't there. But today we just found out this. So nature is just something different, different level. And I am a little bit emotional right now. ये सब देख के इतना ये हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं नेचर के साथ. सो एनी वेज आर ट्रिप टू द प्लांटेशन कम्स टू एन एंड. बहुत अच्छे अच्छे अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ. एंड थैंक्स टू आर गाइड अभिराम. आई विल श्योरली पुट अप हिज कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो एनी बडी हु इज कमिंग टू अथरापली कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम इफ नीडेड. एंड प्रोबेबली ही विल हेल्प यू आउट विद दिस. मतलब यहाँ कहीं पर भी आपको देखना हो प्लांटेशन वगैरह, ही इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. एंड येस, लेट्स स्टार्ट thinking about mother nature today, right now, and let's pledge that we will keep it safe, we will conserve the nature, because agar ye nature nahi hai to hum log nahi hai. So please don't forget to like, share and subscribe this video, and follow me on Instagram. Thank you so much for watching this video. Bye bye.